हेलो एवरीवन, ललिता भारद्वाज किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ पोटैटो स्माइली। पोटैटो स्माइली बच्चों को बहुत पसंद होता है, तो आप उनके टिफिन में ये दे सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, मैंने इसके लिए 6 से 7 मैंने आलू लिया है मीडियम साइज का, और इसको मैंने बॉईल कर लिया है। और इसको मैंने बॉईल कैसे किया है, मैंने कुकर में पानी डाल के उसमें एक कटोरी रख दी थी बड़े साइज की, और फिर उसमें मैंने पानी डाल के कटोरी के ऊपर मैंने आलूओं को रखा है, इनके कटोरी के अंदर मैंने आलूओं को रखा है। ये मैंने इसलिए किया ताकि आलूओं के अंदर ज्यादा मॉइस्चर ना जाए। तो ये देखिए, बिल्कुल ड्राई ड्राई से आलू है बिल्कुल। तो इस तरह से आलू हमें चाहिए। तो चलिए अब हम सबसे पहले इसको हम कद्दूकस कर लेते हैं। देखिए, मैंने एक ग्रेटर लिया है और इससे अब हम आलूओं को ग्रेट करेंगे। तो ये देखिए, मैंने एक आलू को ग्रेट कर लिया है, और इसी तरीके से अब हम सारे आलूओं को ग्रेट कर लेंगे। ये देखिए, सारे आलूओं को मैंने अच्छे से ग्रेट कर लिया है, और अब हम इसको इस तरह से अच्छे से मैश करेंगे। ये देखिए, बिल्कुल हमें आलूओं को चिकना करना है, जैसे हम डो तैयार करते हैं ना, ऐसे। ये देखिए, आलू को मैंने चिकना कर लिया है, और अब मैं इसमें डालूंगी, मैंने 7 आलू लिए थे, तो मैं 7 चम्मच इसमें डालूंगी सूजी। अगर आपके पास सूजी नहीं है तो आप ब्रेड क्रम्स भी डाल सकते हैं। मैं सूजी डाल रही हूँ, बिल्कुल मीडियम साइज का स्पून है मेरे पास। इससे अभी मैंने 4 चम्मच ही सूजी डाली है, अगर रिक्वायरमेंट होगी तो मैं वो डाल दूंगी। अभी पहले इसको सूजी मैंने इसलिए डाला है ताकि जो आलू में अगर थोड़ा बहुत मॉइस्चर होगा तो वो सारा एब्जॉर्ब कर लेगा। और अब मैं डालूंगी 2 से 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर। और कॉर्नफ्लोर भी हम रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसमें हम डालेंगे। हमें फिर से इसे चिकना करना है ऐसे। और इसी के साथ मैं इसमें डाल देती हूँ थोड़ा सा नमक, बिल्कुल हल्का सा ही नमक डालना है हमें इसमें। और अब हमें इसको अच्छा सा एक डो तैयार करना है, स्मूथ सा। देखिए, मैंने डो तैयार कर लिया है इसका, तो अब हम डो को हाफ पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। ये देखिए, अब मैं अपने हाथ पे थोड़ा सा ग्रीस कर लेती हूँ ऑयल का, और इसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। और ये देखिए, और ये मैंने एक चॉपिंग बोर्ड लिया है, और इसको हम फैला देते हैं इस पे थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर, और इस पे हम थोड़ा सा और अच्छे से ग्रीस कर देते हैं। देखिए, और अब हम इसको इस पर फैला देंगे इस तरह से। ये देखिए, इसको हम इस तरह से रोलिंग पिन के साथ इस तरह से फैलाते हुए इसको हम गोल कर लेंगे। देखिए, और अब ये देखिए, आप कोई भी कटर ले सकते हैं, मेरे पास ये छोटी कटोरी है तो हम इससे इसकी कटिंग करते हैं। लेकिन इसकी जो एजेस हैं इसके ऊपर हम थोड़ा सा अरारोट इस तरह से लगा लेंगे। ये देखिए, और अब हम इसकी कटिंग करते हैं।
ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, तो इस तरह से चलिए सारे हम स्माइली तैयार कर लेते हैं कट करके। ये देखिए सारे मैंने कट कर लिए हैं आलू को, स्माइली कट कर लिया यानी कि मैंने। तो अब जो हमने इसमें फाइनल टच देना है वो बनाने हैं इसकी आईज और स्माइली। तो चलिए सबसे पहले हम आपको इसकी आईज बना के दिखाते हैं। तो आप कोई भी स्ट्रॉ ले सकते हैं, लेकिन मेरे पास स्ट्रॉ नहीं है, मेरे पास एक ये पेन है, तो मैं पेन की मदद से आपको आईज बना के दिखाती हूँ। ये देखिए, ये देखिए इस तरह से। और फिर एक लेना है हमें स्पून, और स्पून की मदद से हमें इस तरह से, ये देखिए, तो ये स्माइली बन के तैयार है। चलिए बाकी सारे आलुओं की हम स्माइली इस तरह से फेस और स्माइल तैयार कर लेते हैं। ये देखिए सारे स्माइली हमने बना लिए हैं इसके फेसेस और आईज, ये देखिए। और अब हम इसको कम से कम 3 से 4 घंटे के लिए इसे हम फ्रीजर में रखेंगे ताकि ये सेट हो जाए, उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। ये देखिए मैंने इनको जिप लॉक पैकेट में बंद करके इसको मैंने फ्रीजर में 2 घंटे के लिए रख दिया था। और चलिए इसे चेक कर लेते हैं। वाह, ये देखिए कितना बढ़िया बन के तैयार हुआ है ये स्माइली। ये देखिए, तो चलिए अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं। चलिए देखिए, एक पैन में मैंने तेल गरम कर लिया है, और अब हम इसको स्माइली को इसमें फ्राई करेंगे। ये देखिए, इसे हमें बस बिल्कुल हल्के हाथों से आराम से उलटते हुए पकाना है, इसे हमें ज़्यादा नहीं छेड़ना है। ये देखिए, इसे उलटते पलटते हुए हमें पका लेना है। ये देखिए अब ये हो चुका है, इसको हम निकाल लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी स्माइली बनके तैयार है। आप इसे टमाटर सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं, बच्चों के टिफिन में डाल के उनको स्कूल के लिए दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और कमेंट में बताइए कि आपको मेरी रेसिपीज कैसी लगती हैं, और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।